अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमजद असलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए ज़्यादा अहम होगी जो दोस्त अदर कंट्री और अदर लैंग्वेज में व्हाट्सएप और मैसेंजर पर चैट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक ट्रांसलेट ऐप के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेट ऐप के बारे में तो सभी जानते हैं, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट और इसके अलावा बहुत सी किस्म की ट्रांसलेट ऐप हैं जिनकी मदद से लोग अदर कंट्री और अदर लैंग्वेज में इंटरनेट पर चैट करते हैं। लेकिन आज इस ट्रांसलेट ऐप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो ट्रांसलेट ऐप बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ट्रांसलेट ऐप है और ये ट्रांसलेट ऐप मेरी फेवरेट ऐप है और मैं खुद भी इस ऐप का इस्तेमाल बहुत अरसे से कर रहा हूँ। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि आखिर ऐसी कौन सी खास बात इस ट्रांसलेट ऐप में है जिसके लिए मैं इस ऐप की इतनी ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाकई तारीफ के लायक ट्रांसलेट ऐप है। मैंने पहले भी इस ट्रांसलेट ऐप के बारे में एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो में मैंने इस ऐप को इंस्टॉल करने का और इसको इस्तेमाल करने का तरीका कार बताया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर आने वाली लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वो वीडियो वहां से देखकर इस ऐप को इंस्टॉल करने का तरीका कार सीख सकते हैं। अब आपके माइंड में शायद ये भी बात आ रही होगी कि अगर मैं पहले ही इस ऐप पर वीडियो बना चुका हूं, तो अब मैं दोबारा इस ऐप पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड, आज दोबारा मैं इस ऐप पर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस ट्रांसलेट ऐप की कंपनी ने इस ऐप में बहुत ज़बरदस्त किस्म का अपडेट किया है और वो अपडेट ये है कि अब हम हाई ट्रांसलेट ऐप ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन में भी इस कंपनी ने बहुत सी लैंग्वेज इसमें डाल दी हैं। अगर हम इनको डाउनलोड कर लेते हैं तो हम इस ऐप को विदाउट इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस ट्रांसलेट ऐप को ऑफलाइन इस्तेमाल करने का तरीका कार बताऊंगा कि हम किस तरह कोई लैंग्वेज डाउनलोड करके इस ऐप को विदाउट इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सीखने के लिए हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर जाकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको इस चैनल के आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन अपडेट आपको वक्त पर मिलते रहें। सो फ्रेंड, अब हम अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर इस एप्लीकेशन के आइकन को प्रेस करते हैं। फिर इसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ पर हम सबसे ऊपर दो लाइनों पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ ऑफलाइन मोड पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमारे सामने बहुत सी लैंग्वेज आ जाएंगी। यहाँ पर हम अपनी मर्जी की कोई भी लैंग्वेज डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को डाउनलोड कर रहा हूँ और ये लैंग्वेज फाइल 20 MB से 40 MB के दरमियान है और हम यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और ये डाउनलोड स्टार्टिंग हो चुकी है और 1 मिनट से पहले पहले ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये ट्रांसलेट ऐप बिल्कुल फ्री है और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब ये ऑफलाइन भी दस्तयाब है। ये तो सोने पर सुहागे वाली बात हुई। और इसके अलावा भी मैं आपको इसके बारे में बता दूं, ये नहीं कि हम इस ऐप को सिर्फ चैटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम अपने मोबाइल की सेटिंग या किसी भी इबारत को रीड करने के लिए हम इस ऐप से फौरन मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर इस ऐप का आइकन हमेशा नज़र आता रहता है और जब भी हमें किसी भी इबारत का तर्जमा करना हो तो हम इस ऐप के आइकन को उंगली से खींच कर उस इबारत पर लाएंगे जिस इबारत का हम तर्जमा करना चाहते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक तरीके से उस इबारत का तर्जमा आपके सामने आ जाएगा। और अब ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपने मोबाइल का डाटा ऑफ करके भी इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और मेरे टेक्निकल अमजद असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।